वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 30 जुलाई 2021 और 30 जुलाई 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27,050 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट अभी उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित और भी कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि रोजाना आप वीडियो को देखिए। ये रोजाना चैनल पर अपलोड होता है, अगर आप इसे रोजाना फॉलो करेंगे तो आपको दोबारा कहीं से भी बिहार में जीत होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोबारा करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सीधे हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो जुलाई माह से जो दिवस है आज है हमारा 30 जुलाई, तो 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए 30 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है वो है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही हमें टेलीग्राम पर सर्च कीजिए बीपीएससी मेकर के नाम से और वहां पर हमें ज्वाइन करके अपनी मतलब की इस तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए आज है 30 जुलाई और आज है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस, तो यहां पर इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं ये क्या है, ये कब शुरू हुआ था, इसका थीम क्या है इस वर्ष का, वो सारी चीजें यहां पर हम लोग देखेंगे और विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम जो है 2021 का, ये आपको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थीम है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, ये इसका थीम है 2021 का, विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। और यहां पर अगला पॉइंट है 30 जुलाई 2013 को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ये भी बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय यूएनओ डीसी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तस्करी की पीड़ितों में 49% महिलाएं तथा 23% लड़कियां शामिल होती है, ये आप ध्यान देखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की जो स्थापना हुई थी ये 1997 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है, ये आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, एक एक करके हम सारे प्रश्न को देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो भी सारे डिस्कस करेंगे। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर इस प्रश्न को हम जानते हैं कि हाल ही में बिहार विधानसभा में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई, अब जिसके तहत इस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, नदियों का अध्ययन और खगोल शास्त्र सहित कुल 12 नए विषयों की पढ़ाई होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि अब इस विश्वविद्यालय के चांसलर की भूमिका में राज्यपाल के बदले मुख्यमंत्री होंगे, अर्थात विश्वविद्यालय के जो पहले चांसलर की भूमिका में राज्यपाल होते थे अब इसे चेंज कर दिया गया, अब ये चांसलर की भूमिका में मुख्यमंत्री होंगे, अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इसके चांसलर होंगे। अब यहां पर अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसके तहत नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की मंजूरी दिया गया जो कि देश का 6ठा खेल विश्वविद्यालय होगा। इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, जो खेल विश्वविद्यालय है इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने कल वाले वीडियो में आपको दिया था, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र है 26 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा, तो इसी दौरान ये सारे घोषणा किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप यहां से याद रखिए, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में आयोजित होती है उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और मैंने एक प्रश्न और भी आपको बताया था कि अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट जो 27,050 करोड़ रुपये का पेश किया गया है उसी के तहत ये सारी घोषणा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया या फिर सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये बिहार के दरभंगा जिले के निवासी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं, तो जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र के आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के
15 लाख के इनामी सरगना अबू दुजाना और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी समीर टाइगर को दिनांक 30 अप्रैल 2018 को कश्मीर के पुलवामा जिले में दरवाम गांव की घेराबंदी कर मार गिराने वाले कुमार मयंक को वीरता के राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। और वे बिहार के दरभंगा जिले के निवासी थे। तो बिहार के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है मैथिली क्षेत्र की अर्थात दरभंगा की। तो दरभंगा के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें मैप पर देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिहार वाले मैप में जब यहाँ पर दरभंगा की स्थिति को ढूंढेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इस जगह पर आपको दरभंगा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि दरभंगा की जो जिला है मतलब वो कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये पॉइंट यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मुजफ्फरपुर। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कुल 6 जिले हैं जो कि दरभंगा के साथ अपनी जिला की सीमा को साझा करता है। तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं मुजफ्फरपुर। तो कुल मिलाकर यहां मुजफ्फरपुर 1, सीतामढ़ी 2, मधुबनी 3, सहरसा 4, खगड़िया 5 और समस्तीपुर 6। तो कुल मिलाकर ये 6 जिले हैं जो कि दरभंगा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहां पर मैं इसे इरेज कर रहा हूं और यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। मैंने आपको बताया बहुत पहले भी कि बिहार में जो मतलब प्रमंडलों की संख्या कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है, ठीक है, और इसी के तहत दरभंगा भी एक प्रमंडल है। तो दरभंगा प्रमंडल जो है इसका जो मुख्यालय यह दरभंगा ही, अर्थात दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है और दरभंगा वास्तव में एक जिला भी है। और इस जिले के तहत, इस प्रमंडल के तहत 3 जिले आते हैं। ये 3 जिले कौन कौन है उसे यहां पर देख लेते हैं। तो 3 जिले, सबसे पहला तबका हो गया दरभंगा, दूसरा हो गया मधुबनी, तीसरा हो गया समस्तीपुर। जब आप यहां पे मैप पे देखेंगे तो दूसरा हो गया आपका मधुबनी, तीसरा आपका होगा समस्तीपुर इधर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3 जिले हैं जो कि दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए अब यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया है। ये सड़क हादसा बहुत ही मतलब भयानक था, जिस तरह से ये हादसा हुआ है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि बिहार सरकार ने मतलब इसके परिजनों को कितने रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 लाख रुपये मुआवजा राशि दिए जाने का घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भीषण बस सड़क हादसा हुआ और जिसमें कि बस में सवार 135 यात्रियों में से बिहार के 17 लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं इनमें से 18 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 17 लोग जो है ये बिहार के हैं, ठीक है। और पार्थिव शरीर को कुल 7 एम्बुलेंस के माध्यम से बिहार लाया जा रहा है। जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार मतलब 18 लोगों की मौत हुई है और 17 लोग जो मतलब बिहार के हैं, इसमें से मृतकों में 17 लोग बिहार से हैं। और इनमें मतलब कह सकते हैं जो एक खड़ी बस थी उसको मतलब कि एक ट्रक ने पीछे से ठोकर मारा था, जिसमें कि 135 यात्री सवार थे और 18 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अब यहां पर आगे लिखा जा रहा है कि जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा किया है। अब यहां पर यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि कुल 7 एम्बुलेंस के माध्यम से इसे मतलब बिहार लाया जा रहा है। अब ये यहां से कुछ फैक्ट है जो कि आप याद रखेंगे। ये जो सड़क हादसा हुआ लखनऊ अयोध्या हाईवे पर उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं यहां पे इस इमेज में भी। चलिए अब यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान। देखिए यहां पे गलती से 2021 लिखा गया है, एक्चुअली में ये 21-22 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया मेरे से। तो 21-22 के दौरान भारत के विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये अपना होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9.5% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस बार हम जानते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के विकास दर का अनुमान 12.5% से घटा करके 9.5% कर दिया गया है। अब यहाँ पर विभिन्न संस्था के द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत के विकास दर का अनुमान लगाया गया है उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो डाटा है ये डाटा है, इसे यहां पर देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा ये 9.5% और वहीं पर वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार भी 9.5% और भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार भी 9.5%, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 9.5% और अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 10%, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 9.6%,
केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2%, मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6% और एशियाई विकास बैंक के अनुसार 10%। तो ये सारे आंकड़े यहाँ से आप याद रखिए, आप ये श्योर रहिए कि आपका एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो बेस्ट क्वालिटी होगा। आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं, बिहार जीके की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही करंट अफेयर्स की आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपकी बेहतर तैयारी होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2021 में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अर्थात यहाँ पे ए बी सी और डी ये चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो ये है कि पेसेओ डेल फ्राडो बुलवार्ड जो कि स्पेन का है, और रेट्रो पार्क ये भी स्पेन का, और साथ ही हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा गुजरात भारत, और काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर तेलंगाना भारत, इन मतलब चारों जगहों को इसमें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ों को मैंने ऐड किया है उसे देख लेते हैं। तो हाल ही में मैड्रिड स्पेन के ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेट्रो पार्क, और भारत के हड़प्पाकालीन नगर मानकर धोलावीरा गुजरात तथा काकतीय रुद्रेश्वर तथा रामप्पा मंदिर तेलंगाना को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये दोनों नाम आप यहाँ से याद रखिए, पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेट्रो पार्क ये दोनों स्पेन का है, और वहीं पर बात करेंगे हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा जो कि गुजरात में है, ये भी बात ध्यान रखें यहाँ पर। लेकिन हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट है काकतीय रुद्रेश्वर अर्थात रामप्पा मंदिर, इसके बारे में मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था। यहाँ पर एक बार मैं पुनः बता दूँ कि रामप्पा मंदिर जो है ये भगवान शिव पर आधारित है, और भगवान शिव की ये एक लौती ऐसी मंदिर है जिसका नाम इसके मतलब शिल्पकार के नाम पर रखा गया। अर्थात ये जो मतलब कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, ये रामप्पा मंदिर जो है ये 13वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था, और इसका जो शिल्पकार था ये रामप्पा नाम का था, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रामप्पा मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग में अभी। तो हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया, और यह इस सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थल है। तो ये भी बात यहाँ से आप याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न की क्वालिटी है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बसवराज एस बोम्मई, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर होगा। अब यहां पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बसवराज एस बोम्मई को विधायक दल के नेता के रूप में चुना, और उन्हें राज्यपाल थारव चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब यहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई, ये आप यहां से याद रखेंगे। और इस प्रकार बसवराज एस बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये चर्चे में, तो ये आप यहां से ध्यान रखें। उनके पिता एस आर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका कार्यकाल जो था ये 13 अगस्त 1988 से 21 अप्रैल 1989 तक का था, ये भी बात यहां से आप याद रखें। अभी हाल में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज एस बोम्मई, इनके पिता आर एस बोम्मई भी 13 अगस्त 1988 से 21 अप्रैल 1989 तक ये कर्नाटक के राज्यपाल रहे थे, राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये सारी जानकारी यहां से आप याद रखें। चलिए अब यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के दौरे पर थे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ताजिकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्री अभी हाल ही में ताजिकिस्तान दौरे पर थे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हाल ही में 27 से 29 जुलाई 2021 तक दुशान्बे ताजिकिस्तान के दौरे पर गए थे, और वहां पे शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के वार्षिक बैठक में हिस्सा लिए। और यहां पर आगे लिखा गया है कि इसकी अध्यक्षता इस बार मध्य एशियाई
देश ताजिकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का जो ये रक्षा मंत्रियों का वार्षिक जो बैठक हुआ, इस बार इसकी जो अध्यक्षता किया गया ये भी ताजिकिस्तान के द्वारा किया गया, जो कि कह सकते हैं ताजिकिस्तान जो देश है ये मध्य एशियाई देश है, इसी के द्वारा भी हाल ही में इसका बैठक किया गया। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था और इसका मुख्यालय बीजिंग जो कि चीन में है, ये भी बात यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, इस संगठन में भारत और पाकिस्तान को 24 जून 2016 को औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बात यहाँ से आप याद रखिए। हमारे करंट अफेयर्स को अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ये आपके लिए निस्संदेह ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली ये वीडियो देखिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग ले रहा है। तो हाल ही में कटलेस एक्सप्रेस जो एक युद्धाभ्यास है, इसमें 2021 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग ले रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर जानते हैं कि 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित किए जा रहे अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भारतीय नौसेना का जहाज तलवार भाग ले रहा है, यहां से आप याद रखिए। अगला पॉइंट यहां पर हमारा है, यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है, जो कि अभी हाल ही में इसमें भारतीय नौसेना का जहाज तलवार भाग ले रहा है। अब यहां पर एक प्रश्न मैंने शायद एक दो दिन पहले आपको बताया था, किस समुद्री जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज से मतलब सम्मानित किया गया था, तो मैंने आपको बताया था INS कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर था। आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, ये सारी जानकारी आपकी स्ट्रांग होगी, आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर इस बारे में जानते हैं, हाल ही में यूरोपीय देश स्वीडन सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में शामिल हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन के दौरान हुआ था। ये आप यहाँ पर याद रखिए, भारत और फ्रांस के द्वारा मतलब कि इसके मतलब कि अगुवाई में ये मतलब इसकी स्थापना हुआ और इसमें जो सहयोग संगठन में सदस्य देशों की संख्या है तो इसमें 121 देश वर्तमान में शामिल है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था ये 30 जुलाई 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था और ये COP21 सम्मेलन के दौरान हुआ था। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य के बारे में लिखा गया कि इसका उद्देश्य अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का जो उद्देश्य है, ये सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों के साथ मिलकर समाधान निकालना, ये इसका उद्देश्य है, ये आप यहां से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा अशोक लवासा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक के लेखक पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा हैं। आप यहाँ पर इस पुस्तक के कवर पेज को देख सकते हैं, ठीक है, और उन्होंने इस पुस्तक में अपने पिता उदय सिंह और स्वयं के अनुभव के बारे में चर्चा किया है। अब यहाँ पर अशोक लवासा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनने के लिए वर्ष 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था, ये आप यहाँ से याद रखिए। और इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में ये पुस्तक को प्रकाशित किया गया है जो कि मतलब इस पुस्तक का नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, हाल ही में किसने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्मृति ईरानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर को देख सकते हैं और यह हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के परिसर से संचालित होगी और जिसके तहत 18 या फिर उससे अधिक वर्ष के कोई भी महिला कॉल करके मदद ले सकते हैं, ये आप यहाँ से याद रखें। अभी हाल ही में जो ये जारी किया गया ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया और अभी वर्तमान में स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखिए। इस मतलब हेल्पलाइन नंबर की खास विशेषता यह है कि 24 घंटे खुला रहेगा, जो कि मतलब कि हेल्पलाइन जो नंबर है ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो संस्था है नई दिल्ली वहीं से ये संचालित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए।
चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न कि हाल ही में ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइटर होगा लोलो जोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में अमेरिकी एथलीट लोलो जोन्स ने ओवर इट नामक पुस्तक लिखा है, ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 अर्थात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में आप जाके इसका आंसर लिखिए। आप चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप में pre21 लिख के मैसेज करें और यहाँ पर आपको कुछ डेमो पीडीएफ जाएगा, उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना या फिर नहीं। ये पेड ग्रुप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, यहाँ पर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। तो आप लोग इसे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।